नमस्कार दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हम जिस टॉपिक पे थे उसी टॉपिक से शुरुआत करते हैं। जैसे हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे यिन और यांग के बारे में, इसे थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, फिर दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे। जैसे हम बात करते थे, जो स्त्री होती है वो सुबह से शाम तक अपना काम करती है, सुबह से शाम तक। सुबह सबसे पहले उठती है, सबसे लास्ट में, सबसे अंत में रात को सोती है। 365 दिन स्त्रियों का काम रहता है, उसे कभी भी रेस्ट नहीं मिलता है। और जहाँ पे पुरुषों की बात है, वो अपना जो भी काम करते हैं उस काम से फ्री होके फिर वो आराम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैसा स्त्रियों का काम है ऐसे यिन ऑर्गन का काम है। यिन ऑर्गन भी कंटिन्यू 24 घंटे काम करते हैं, ठीक है। और जो यांग ऑर्गन है वो यांग की तरह काम मिलने पर काम करते हैं, फिर आराम करते हैं, यानी कि वो अपना काम के बाद में आफ्टर कंप्लीट वर्क दे कैन बी रेस्ट, ठीक है। तो काम खत्म करने के बाद वो रेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बात यहां तक काफी है इन यांग के लिए। अब आगे हम ऑर्गन्स पे चलेंगे, आगे हम ऑर्गन्स की बात करेंगे, ठीक है। ये हमारे ऑर्गन होते हैं बॉडी में, हमारे 12 ऑर्गन, ठीक है, जिनकी छोटी सी सीरीज होती है। हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट इकाई होती है उसको सेल यानी कोशिका बोला जाता है। उन कोशिकाओं को मिलके टिश्यू का निर्माण होता है, उत्तक जिसे बोलते हैं। उसके बाद में उन टिश्यूज को मिलाके ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन को मिलाके सिस्टम बनता है। सिस्टम पूरा जो बनता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सभी को मिलाके हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑर्गन्स की, ठीक है। तो हम 12 ऑर्गन को जानेंगे, फिर उनमें यिन और यांग को जानेंगे, वो कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो साथ साथ में लिखता जाऊंगा, आप लोगों को समझते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा डॉग ब्लैडर, ठीक है, यानी पित्त की थैली, ठीक है, पित्त की थैली, ठीक है। ये हमारा टेबल बना ही देता हूं मैं, आसानी रहेगी। इधर हम यिन ऑर्गन लिखेंगे और इधर यांग, ठीक है। इसकी थैली यानी गॉल ब्लैडर, तो ये आ गया हमारा लीवर आएगा यिन में, ठीक है। उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, ये हमारी यांग ऑर्गन में आती है। इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, छोटी आंत। हमारी दो आंतें होती हैं, एक बड़ी एक छोटी, ठीक है। अब इसमें आता है हमारा हृदय यानी कि हार्ट, ठीक है। उसके बाद में हमारी आती है स्पाइन, जिसे हम ट्रिपल वार्नर भी बोलते हैं, स्पाइन या ट्रिपल वार्नर। कुछ मेडिकल के इश्यूज की वजह से इसको हम अपनी जो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर थेरेपी है उसकी वजह से इसे ट्रिपल वार्नर बोलते हैं। स्पाइन इसलिए नाम ना दिया कि जिससे कि आगे जो है कोई किसी तरह का इश्यू ना हो, ठीक है। रीढ़ की हड्डी से बोलते हैं, ठीक है, रीढ़ की हड्डी। ये है ब्रेन यानी कि पेरिकार्डियम, इसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। ये हमारे हार्ट के पास एक लेयर होती है हार्ट के ऊपर, उसको डायरेक्ट हम ब्रेन को इंक्लूड ना करके मेडिकल के अकॉर्डिंग कभी कोई ऑब्जेक्शन ना हो इसी तरीके से, तो पेरिकार्डियम जो ये ब्रेन को ही हमारे रिप्रेजेंट करता है। ब्रेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है वो हम पेरिकार्डियम पे ही ट्रीटमेंट उसका देते हैं, पेरिकार्डियम के मेरिडियम पे, पेरिकार्डियम पे, ठीक है। ये होता है दिमाग यानी मस्तिष्क हमारा, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर पे आता है हमारा स्टमक, स्टमक यानी अमाशय। खाना जो हमारा फूड पाइप के द्वारा जो जाता है सबसे पहले वो हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक हमारा ऐसे होता है यूं क्वेश्चन मार्क की तरह, स्टमक के बाद फिर हमारी आंतों में जाता है, ठीक है। इसके साथ आता है हमारा स्प्लीन, तिल्ली प्रिया जिसे बोलते हैं, ठीक है, स्प्लीन तिल्ली प्लीहा, तिल्ली प्लीहा, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारी बड़ी आंत, बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा लंग्स, यिन ऑर्गन में लंग्स, फेफड़े। उसके बाद होता है हमारा लंग्स और डिस्टेंस टाइम। उसके बाद होता है यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी
ब्लेडर, ठीक है, पेशाब की जो थैली होती है यूरिन ब्लेडर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा किडनी, गुर्दे जिसे बोलते हैं, गुर्दा, ठीक है, पेशाब की थैली होती है, नली ना समझे इसे, थैली होती है जहां पे यूरिन जब किडनी फिल्ट्रेशन करती है तो जितने भी टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं और रिमूवेबल जो होती हैं चीजें जो यूज के लिए हमारी बॉडी में नहीं होती, किडनी उनको यूरिन पाइप के द्वारा यूरिन ब्लेडर में छोड़ देती है, ठीक है। ये होता है, ये हमारे 12 ऑर्गन होते हैं, इनके मैं शॉर्ट शॉर्ट नाम भी आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। ये होती है, इसे शॉर्ट में जीवी बोलते हैं, इसे लीवर बोलते हैं, एलवी बोलते हैं इसे, और इसे एलआईवी भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, हार्ट को एच, ठीक है, स्पाइन या ट्रिपल वार्न जो इसको हम TW दोनों कैपिटल में, स्टमक को ST, बड़ी आंख को L और I, यूरिन ब्लेडर को हम जैसे यू भी लिखते हैं, और आपको जो चार्ट्स वगैरह में जो मिलेगा वो ज्यादातर बी लिखा हुआ मिलेगा, और गॉल ब्लेडर का तो जी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। ब्रेन पेरिकार्डियम इसको हम पी लिखते हैं शॉर्ट में, स्प्लीन को SP, लंग्स को LU और किडनी को K, ठीक है। ये हमारे ऑर्गन होते हैं, ठीक है, पूरे टोटली 12 होते हैं। अब इसमें हमें कैसे कौन कौन सा क्या डिवाइड करना है वो आगे हम बताएंगे। 12 टोटल ऑर्गन होते हैं, किसका क्या क्या रोल होता है वो सारा हम बिल्कुल आपको जनरली बताएंगे। अभी तो जो मैंने सारा लिखा है इसको मैं आपको याद करने का एक तरीका बता देता हूँ, तब तक आप इसको याद कर सकते हैं, सिंपली है। अभी मैं इसमें मंथ के अकॉर्डिंग आप लोगों को बता दूंगा कि 12 जो हमारे मंथ होते हैं वो 12 मंथ एक एक ऑर्गन को दिए गए हैं सेपरेट, 24 घंटे में दो दो घंटे हर एक ऑर्गन को दिए हुए हैं। वो ऑर्गन वाला हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, सॉरी क्लॉक वाला टाइम जो बायोलॉजिकल क्लॉक, अभी वाला मंथ वाला बता देता हूँ। आप ऑर्गन को भी याद कर लेंगे और मंथ को भी याद कर लेंगे, उसका रोल क्या होता है मंथ का वो भी आपको बता देंगे। तो सबसे पहले हमारा जो मंथ जो शुरू होता है वो जनवरी से शुरू होता है, जनवरी ये आ गया फरवरी, ठीक है, ये हो गया मार्च, ये हो गया हमारा अप्रैल, मई, ये हो गया जून, स्टमक हो गया जुलाई, स्प्लीन होगी अगस्त, ठीक है, ऐसा ही हो गया हमारा सितंबर, लंग्स हो गया हमारा अक्टूबर, ठीक है, यूरिनरी ब्लेडर हो गया हमारा नवंबर, और ये हो गया दिसंबर, ठीक है। तो आगे आगे इतना इंटरेस्टिंग ये टॉपिक आता जाएगा कि मान लो किसी को जनवरी में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हम गॉलब्लैडर से कोरिलेट करेंगे, उसमें गॉलब्लैडर का ट्रीटमेंट देना शुरू करेंगे। फरवरी में होती है तो उसमें लीवर का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। किसी का जन्म हुआ है, मान लो जून में किसी का जन्म हुआ है तो उसको ब्रेन यानी कि पेरिकार्डियम एनर्जी से कोरिलेट करेंगे। किसी को अगर मान लो दोपहर में 1 से 3 के बीच में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हम छोटी आंख से कोरिलेट करेंगे, या उसके जो अपोजिट टाइम में जैसे दिन का 1 से 3 का टाइम छोटी आंख का है, रात का 1 से 3 का टाइम लीवर का। तो ऐसे ऐसे करके हम इनकी डायग्नोज करेंगे। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग इतना टॉपिक है, एनर्जी को समझने के लिए डायग्नोज कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से ये आप लोगों के लिए अभी सफिशियंट है, आप लोग इन चीजों को याद कीजिए, इनको समझने की कोशिश कीजिए, फिर आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें सारी चीजें और डीपली बताएंगे, आगे के विषय में बात करेंगे, फिर अपना ट्रेनिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।